दोस्तों, आजकल के इस माहौल में हमारे चारों तरफ नेगेटिविटी फैलने के कारण हमें खुद को कुछ गलत चीजों से बचाना बहुत ही जरूरी होता है, और खासकर तब जबकि हम क्रिकेटर बनने के बारे में सोच रहे होते हैं। दोस्तों, क्रिकेटर बनने के लिए हमें कई चुनौतियों से लड़ना पड़ता है, लेकिन उससे भी पहले हमें खुद को मजबूत बनाना बहुत ही जरूरी होता है। तो आज की वीडियो में आपको 10 ऐसे कमजोरियों के बारे में बताएंगे जो कि आपके अंदर पहले से मौजूद है और यही चीज आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। और आप सबसे एक गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप अपनी कमजोरियों को खत्म करके बहुत कुछ सीख सको और अपने क्रिकेट करियर को आगे बढ़ा सको। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबके लिए कुछ लाइनें कहना चाहता हूँ। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। पाना चाहो अगर सफलता तुम, तो असफलता का स्वाद भी तुम्हें चखना होगा। कि पाना चाहो अगर सफलता तुम, तो असफलता का स्वाद भी तुम्हें चखना होगा। और याद रखना मेरे दोस्त, जीतना चाहते हो अगर इस दुनिया को, तो खेल चाहे जो भी हो। कि अगर जीतना चाहते हो इस दुनिया को, तो खेल चाहे जो भी हो, हारी हुई बाजी को तुम्हें जीत में पलटना होगा। तो चलिए जानते हैं उस 10 बुरी चीजों के बारे में जिसको आज और अभी आपको अपने अंदर से खत्म कर देनी चाहिए। क्योंकि दोस्त, अगर आपके अंदर से ये चीजें खत्म नहीं हुई तो आप चाह करके भी एक क्रिकेटर नहीं बन पाओगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं पॉइंट नंबर 10 के बारे में। पॉइंट नंबर 10 के बारे में बात करें तो वो है एक्सक्यूजेस, मतलब कि बहाना बनाना। दोस्तों, जब भी हम क्रिकेट खेलते हैं तो शुरुआत में तो हम अपना 100% एफर्ट देते ही हैं, लेकिन कई बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि जैसे जैसे उनका क्रिकेट आगे बढ़ता जाता है वैसे ही वो अपना एक्सक्यूज देना शुरू कर देते हैं। और कई बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जो कि क्रिकेट शुरू करने से पहले ही एक्सक्यूज देना शुरू कर देते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मुझे फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, मैं बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेलता हूँ पर मेरे पास पैसे नहीं है, और भी न जाने कितने तरह के एक्सक्यूज वो लोग देते हैं। और यही कारण है कि वो लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। तो अगर आपको एक शानदार खिलाड़ी बनना है तो एक्सक्यूज देना बंद करना होगा। और बहुत ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने जीरो से हीरो बन करके दिखाया है, और यकीन नहीं तो आप कभी यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ी की कहानी जरूर पढ़िएगा। दोस्तों, आप जितना बहाना बनाओगे उतना ही सफलता आपसे दूर चलती चली जाएगी और फिर आप कभी सफल नहीं हो पाओगे। तो इसीलिए अगर आपको एक शानदार खिलाड़ी बनना है तो आज से ही आपको एक्सक्यूज देना बंद करना होगा, तभी आप एक सफल खिलाड़ी बन पाओगे। तो पॉइंट नंबर 9 की बात करें तो वो है नेगेटिव पीपल इन योर सर्कल। दोस्तों, यहाँ पर मुझे एक कहावत याद आती है कि संगत से गुण होत है और संगत से गुण जात। मतलब कि अगर आप बुरे लोगों के संगत में रहोगे तो बुरा ही बनोगे, और अच्छे लोगों के संगत में रहोगे तो जरूर अच्छा बनोगे। और सेम चीज क्रिकेट के लिए भी है कि अगर आपके आसपास के लोग या फिर आपके दोस्त या आपके सर्कल का कोई भी व्यक्ति अगर आपसे ये कहता है कि तुम क्रिकेटर नहीं बन पाओगे, तुम बेकार क्रिकेट खेलते हो, या फिर किसी भी तरह के डिमोटिवेट करने वाली बातें करता है, तो आपको तुरंत वैसे लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए। क्योंकि ऐसे लोग ना तो खुद आगे बढ़ पाते हैं, ना ही वो दूसरे को आगे बढ़ने देते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप वैसे लोगों के साथ समय व्यतीत कीजिए जो कि आपके सपने को पूरा करने में मदद करें और आपको सही रास्ता बताएं। क्योंकि नकारात्मक सोच वाले लोग के बीच में रहने से बेहतर अकेले रहना है। और खास करके जब आप एक क्रिकेटर बनने की सोच रहे होते हैं तो उस समय आपको बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत होती है। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप ऐसे दोस्त बनाएं जो कि आपको सपोर्ट करें, और डीमोटिवेट करने वाले लोगों से हमेशा दूर रहें। तो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की, जो कि है सेल्फ डाउट, यानी कि आत्मसंदेह। दोस्तों, कई बार हम अक्सर खुद पर ही डाउट करके खुद को ही डिमोटिवेट कर देते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत है। कभी कभी हमारा परफॉर्मेंस खराब रहता है तो उस समय भी हम सेल्फ डाउट करने लगते हैं, और एक समय ऐसा भी आता है जबकि हम ट्रायल में या सिलेक्शन मैचों में सिलेक्ट नहीं हो पाते तो उस समय भी हम खुद पर डाउट करने लगते हैं, जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा लो हो जाता है और इसके कारण हमारे परफॉर्मेंस पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। दोस्तों, हम कई बार तो इसलिए भी सेल्फ डाउट करने लगते हैं कि लोग कहते हैं कि तुमसे ना हो पाएगा, या फिर बार बार लगातार मैचों में खराब प्रदर्शन होने लगता है तब हमें खुद ऐसा लगने लगता है कि मुझ में टैलेंट नहीं है। तो ऐसे समय में खुद पे शक करने से अच्छा है कि आप अपने कमजोरियों को पहचानिए और उसे सुधार कीजिए। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर कोई भी खिलाड़ी परफेक्ट नहीं होता है, हर खिलाड़ी के अंदर थोड़ी बहुत कमी जरूर होती है, और एक अच्छे खिलाड़ी की यही पहचान है कि वो खुद पे भरोसा करते हैं, शक नहीं। तो इसीलिए आप भी खुद पे डाउट करने के बजाय आप अपनी कमजोरियों को पहचानिए, उसे सुधारिए और खुद पे भरोसा कीजिए, तभी आप सफलता पा सकते हैं। तो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की, जो कि प्रोक्रास्टिनेशन, मतलब कि टालम टोल। दोस्तों, अगर आपके अंदर भी ये आदत है कि आज नहीं कल करेंगे या कभी और कर लेंगे या फिर बाद में करेंगे, तो आप कभी भी एक सफल क्रिकेटर नहीं बन सकते हैं। क्योंकि दोस्त, ये लाइन तो आपने सुना ही होगा कि काल करो सो आज करो, आज करो सो अब, पल में परले होत है बहुरी करोगे कब। और इसका मतलब तो आप लोग जानते ही हैं कि किसी भी काम को कल पे नहीं छोड़ना चाहिए। जो काम कल करना है उसे आज कर लो, और जो काम आज करना है उसे अभी ही तुरंत कर लो, क्या पता अगले पल में क्या हो जाए। दोस्तों, अपने किसी भी काम को कल पर या फिर समय के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो काफी लोग ऐसे भी हैं जो कि आपके कंपटीशन में बैठे हैं और वो आपसे ज्यादा मेहनत भी कर रहे हैं और वो आपकी जगह लेने के लिए तैयार हैं। तो आप आज से ही टालम टोल, यानी कि किसी भी काम को टालने की आदत छोड़ दीजिए,
क्योंकि आपकी जगह लेने के लिए बहुत सारे खिलाड़ी लाइन में ऑलरेडी लगे हुए हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि यहाँ तक की सारी बातें आपको सही से समझ में आ रही होगी। तो चलिए जानते हैं पॉइंट नंबर 6 के बारे में, जो कि है फियर ऑफ सक्सेस एंड फेलियर, यानी कि सफलता और असफलता का डर। दोस्तों जब भी हम क्रिकेटर बनने के लिए अपने करियर को लेकर के सीरियस होते हैं तो हर किसी को एक डर जरूर सताता है, और वो डर ये होता है कि क्या हम क्रिकेट में सफल हो पाएंगे या नहीं। अगर हम सफल नहीं हुए तो हमारे करियर का क्या होगा। तो दोस्तों एक बात आपको जान लेनी चाहिए कि किसी भी काम में 100% सफल होने की कोई गारंटी नहीं होती है, और ये बात आपको पता होनी चाहिए कि आप जितना मेहनत करोगे उतना ही आपको रिजल्ट भी मिलेगा। तो आप कभी भी ये ना सोचे कि आप असफल होंगे या सफल होंगे, इससे कुछ होगा नहीं, लेकिन आपके दिमाग में एक टेंशन जरूर बना रहेगा। तो इससे अच्छा है कि आप ये सोचो कि जो होगा वो अच्छा ही होगा, बस हमें मेहनत करने की जरूरत है। कई बार खिलाड़ियों के साथ ऐसा भी होता है कि वो लगातार मेहनत करते रहते हैं फिर भी उनको रिजल्ट नहीं मिल पाता और उन्हें असफलता का डर सताने लगता है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि पूरे लगन से की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। मेहनत एक न एक दिन रंग जरूर लाती है, इसीलिए आप बिना ये सोचे कि आप सफल होगे या असफल होगे लगातार मेहनत करते रहो, आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। और सफल और असफल होने के बारे में ज़्यादा मत सोचिए और सही से प्लानिंग कीजिए, अपना गेम इम्प्रूव करने के बारे में सोचिए। सफल होना ना होना आपके हाथ में नहीं है, अगर आपके हाथ में कुछ है तो वो है मेहनत करना। तो आप सही प्लानिंग के साथ मेहनत कीजिए, आपको एक न एक दिन रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो दोस्तों अब आगे का सिर्फ 5 पॉइंट ही बचा है, और ये 5 पॉइंट ऐसे हैं जो कि आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत देती है, और इन सभी चीज़ों से दूर रहना यानी कि इन सभी को अवॉइड करना बहुत ही जरूरी है। तो इसीलिए आगे की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल खेल ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे के लाल बटन को दबा करके हमारे चैनल खेल ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इससे भी बेहतर वीडियो आपको और भी देखने के लिए मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं पॉइंट नंबर 5 के बारे में। तो पॉइंट नंबर 5 की बात करें तो वो है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, मतलब कि अवास्तविक उम्मीदें। दोस्तों जब भी हम क्रिकेट में करियर बनाने की सोचते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हम 4 साल में IPL खेल जाएंगे या फिर कुछ ही दिनों में हम स्टेट खेल जाएंगे, लेकिन दोस्तों असल में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप कदम बढ़ाना होता है। जैसे कि अगर आपने अभी एकेडमी ज्वाइन किया है तो सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेलने की सोचनी चाहिए, क्योंकि किसी भी खिलाड़ी को एक क्रिकेटर बनने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना होता है। और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता कि आप डायरेक्ट IPL खेल लोगे या फिर स्टेट की टीम में आपको जगह मिल जाएगी, क्योंकि ये सभी चीज़ें आपके टैलेंट पर डिपेंड करती है और आपके टैलेंट आपकी मेहनत और स्ट्रगल पर डिपेंड करती है। तो आप कभी भी ये ना सोचें कि आप शॉर्टकट यूज करके स्टेट खेल लेंगे या फिर एक अच्छा क्रिकेटर बन जाएंगे। अगर ऐसा होता तो आज हर कोई क्रिकेटर होता। तो इसीलिए फालतू की उम्मीद मत रखिए, बस जितना मेहनत कीजिए उतना ही उम्मीद कीजिए और जो रियलिटी है उसके बारे में सोचिए। और दोस्तों मेरा तो यही मानना है कि एक खिलाड़ी को सिर्फ अपने परफॉर्मेंस के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो ही आप आगे बढ़ने की कोई उम्मीद रख सकते हैं, नहीं तो कोई फालतू की उम्मीद लगाने से कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए ज्यादा उम्मीद मत कीजिए, बस जितना आप मेहनत कर पा रहे हैं उतना ही उम्मीद आप खुद से कीजिए। अगर उम्मीद करना है तो आप और भी मेहनत का उम्मीद कीजिए। तो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, जो कि है अनहेल्दी हैबिट्स, यानी कि हानिकारक आदतें। दोस्तों ये बात तो आपने सुना ही होगा कि आदतें ही एक साधारण व्यक्ति को महान बना सकती है, और आमतौर पर सभी व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ गलत आदतें जरूर होती है, और एक क्रिकेटर होने के नाते आपको गलत आदतों से बचना काफी जरूरी होता है। कुछ अनहेल्दी आदतों के बारे में बात करें तो वो है आलसपन, धूम्रपान, फास्ट फूड और भी ना जाने कितने तरह के बहुत ही ज्यादा अनहेल्दी हैबिट्स हैं जो कि आपके क्रिकेट करियर को बर्बाद कर सकती है। तो इसीलिए आप अपने बुरी आदतों को सुधारिए, तभी आप आगे चल करके क्रिकेट में सफल हो सकते हैं। नहीं तो जब तक अगर आपके अंदर बुरी आदतें हैं तो मैं आपको लिख करके दे सकता हूँ, कभी भी क्रिकेट में सफल नहीं हो सकते। तो दोस्तों अब चलिए जल्दी से जान लेते हैं पॉइंट नंबर 3 के बारे में, जो कि है नेगेटिव एटीट्यूड। दोस्तों आपने कभी भी एक बेहतर और शानदार खिलाड़ी के अंदर नेगेटिव एटीट्यूड या फिर ईगो नहीं देखा होगा, लेकिन जब भी हम शुरुआती स्टेज पर क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो ना चाहते हुए भी हमारे अंदर ईगो आ जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आपको एक अच्छा खिलाड़ी बनना है तो अपने अंदर से आपको नेगेटिव एटीट्यूड या फिर ये कह लें कि ईगो को अपने अंदर से खत्म करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एक अच्छे खिलाड़ी की पहचान यही है कि उनके अंदर 0% नेगेटिव एटीट्यूड होता है, वो हर चीज के प्रति सकारात्मक होते हैं। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि आप अपने अंदर कभी भी नेगेटिव एटीट्यूड नहीं आने दीजिए। तो आखिरी दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें तो वो है मिसिंग अपॉर्चुनिटीज।
दोस्तों जब भी हम क्रिकेट में बिगिनर होते हैं, एक तो हमें वैसे भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता और कभी कभी मिलता है उसे भी हम मिस कर देते हैं। और एक अच्छे खिलाड़ी की पहचान होती है कि वो कभी भी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करते, बल्कि वो अपने लिए हमेशा एक न एक अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं। तो अगर आपको भी लाइफ में कभी भी कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो उसे मिस मत कीजिएगा। और एक अच्छे खिलाड़ी की यही पहचान होती है कि वो अपॉर्चुनिटी को कभी मिस नहीं करते हैं। क्योंकि दोस्तों आजकल के इस कंपटीशन के दौर में अगर कोई आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो समझो कि ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं पॉइंट नंबर 1 के बारे में। लेकिन पॉइंट नंबर 1 की बात करने से पहले आप सबको बता दें कि मैं प्रतिदिन इंस्टाग्राम पर एक मोटिवेशनल पोस्ट डालता रहता हूँ, जिससे कि आप सब खुद को डेली मोटिवेट रख पाओ। तो इंस्टाग्राम पर खेल ज्ञान सर्च करके हमें फॉलो जरूर कर लें और हमारे यूट्यूब चैनल खेल ज्ञान को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बात करते हैं सबसे मेन पॉइंट यानी कि पॉइंट नंबर 1 के बारे में, जो कि है ओवर थिंकिंग, मतलब कि ज़्यादा सोचना। दोस्तों मैंने पहले भी कई बार इसका जिक्र किया है और मुझे ये भी पता है कि ओवरथिंकिंग करने वाले खिलाड़ी ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाते। और दोस्तों अगर आपको एक अच्छा क्रिकेटर बनना है तो ओवरथिंकिंग करने के बजाय आपको एक्शन लेना स्टार्ट कर देना होगा। मतलब कि किसी भी काम करने के लिए ज़्यादा नहीं सोचिए, तुरंत फैसला कीजिए और उस पर एक्शन लीजिए। क्योंकि जितना समय आप सोचने में लगाओगे उतने समय में आप उस काम को करके ख़त्म कर सकते हो। और मेरा तो ये मानना है कि अगर ओवरथिंकिंग की जगह हम स्मार्ट वर्क करें तो हमें जल्दी सफलता मिल सकती है। तो इसीलिए ज़्यादा मत सोचिए, जो भी करना चाहते हैं आज से ही शुरू कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी बहुत सारी बातें सीखने को मिले। और दोस्तों इस वीडियो में बताई गई मैं सभी बातों को अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट बना करके अपलोड कर दूंगा, तो इसीलिए आप भी खेल ज्ञान को इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों ऐसा वीडियो और देखने के लिए हमारे खेल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर जरूर कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।